हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक, चार्ज कैरियर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक, और ड्यूट मतलब क्या होता है? प्रवाह या बहाव। सिंपली अगर हिंदी इसका सर्च करेंगे तो आपको बहाव वगैरह मिलेगा, मतलब फ्लो वगैरह करना। ठीक, तो मतलब आज हम लोग चार्ज कैरियर के बहाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चार्ज कैरियर बोले तो इलेक्ट्रॉन और होल। क्यों? क्योंकि हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ रहे हैं, और सेमी कंडक्टर क्या है? एक बाईपोलर है। ठीक, तो जब ये बाईपोलर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होंगे? चार्ज कैरियर होंगे। क्लियर है चीज? ओके, अब देखिए, हम लोग कल देखे थे कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से भी करंट बनेगा, और होल के मूवमेंट की वजह से भी क्या होगा? करंट बनेगा। तो दोनों के करंट डेंसिटी को हम लोग सम करके फिर क्या किए थे? टोटल कंडक्टिविटी वगैरह निकाले थे, या सिंपली ऐसे कहिए कि दोनों के केस में कंडक्टिविटी निकाल के उसका सम करके सेमीकंडक्टर की टोटल कंडक्टिविटी हम लोग निकाले थे। ठीक, तो ये तो हम लोग को अभी तक जानकारी मिल चुकी है कि सेमीकंडक्टर केस में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट मिलने वाला है। ठीक, और इंटरनल क्या पढ़े थे कि मेटल वगैरह है तो बस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट वहां पे मिलते था, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या रहते थे? प्रेजेंट रहते थे। ठीक, ये सब चीज क्लियर। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे, इनके मूवमेंट का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो जो इनके मूवमेंट का प्रोसेस है, ये मूव करेंगे तभी ना करंट बनेगा, तभी ना कंडक्शन होगा। तो इनके जो मूवमेंट का प्रोसेस है, ये दो तरीके से होता है। एक तरीका क्या है कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उस पर क्या करिए, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपके पास सेमीकंडक्टर दिया है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, और भी बोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल्स पर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, जिससे उनका क्या होगा? मोशन होगा। और जब उनका मोशन होगा तो वहाँ पे करंट बनेगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कि आप जो डोपिंग करिए वो इक्वल डोपिंग ना करिए, अनइक्वल डोपिंग। मतलब एक तरफ क्या हो जाए, ज़्यादा डोप हो, एक तरफ लाइटली डोप हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ज्यादा से कम की तरफ चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा। तो उस टाइम पे भी क्या होगा? करंट बनेगा। ठीक, तो अब हम लोग डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखे हैं कि द टू बेसिक प्रोसेस विच काज इलेक्ट्रॉन एंड होल टू मूव इन अ सेमीकंडक्टर आर। ठीक, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने के जो दो बेसिक प्रक्रिया है वो कौन कौन सा है? पहला ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर, और दूसरा डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में मैं बस पहले वाले को डिस्कस करूंगा, इस वजह से हेडिंग क्या डाले हैं? ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक, फिर जब आगे दूसरा लेक्चर आएगा तो उसमें सेकेंड वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ओके, क्लियर है चीज? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जो इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो पहला प्रोसेस है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है चीज ना? इसको आज हम लोग समझेंगे, और फिर नेक्स्ट टर्न पे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर पे अपलोड होगा। क्लियर, एक बार फिर से रिकॉल कर लें, कल हम लोग पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर क्या है? बाइपोलर डिवाइस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट बनेगा। आज हम लोग क्या पढ़ना है कि इस इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की प्रोसेस क्या होगी, ये किस प्रक्रिया के तहत मूव करेंगे उसको हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखें कि दो तरीके से मूव कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, उन इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट हो सकता है, मतलब ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर। और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और होल मतलब जो चार्ज कैरियर है उनका डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक, क्लियर है चीज? तो आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है? ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक, ये पहला हेडिंग हम लोग ऊपर डाल ही चुके हैं। ठीक, उसी के अंदर लिखना है, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट अभी जब मैं लिखवाऊंगा तो वहां से लिखना शुरू करेगा। ठीक, ये बस आपको समझाने के लिए ये दो हेडिंग इसमें लिखवा दिया था। ठीक, एग्जाम में अगर पूछता है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर तो आगे इसको जब समझा के मैं लिखवाऊंगा तो हेडिंग डालने के बाद वहां से लिखना शुरू करिएगा। ठीक ना? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक, ऐसे कुछ पड़े हैं। ये जो क्रिस्टल है ये इस रूप में कब दिख रहा है? जब ये किस पे है? एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो केल्विन पर है, तब उसका रूप कुछ इस तरह दिखेगा।
ठीक, आपस में एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक, अब हम लोग का मन किया कि भाई हम ये सेमीकंडक्टर है इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक, या इसी को आप ऐसे कह सकते हैं 300 केल्विन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसी में 273 ऐड कर देंगे तो हम लोग किस में पहुँच जाएंगे, केल्विन में पहुँच जाएंगे। तो अब इस जो क्रिस्टल है हम लोग का सिलिकॉन का, उसको 300 केल्विन पर रखें। तो जब 300 केल्विन पर आप रखेंगे तो क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, इनके अंदर क्या होगा, कुछ ये जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे जीरो से इस रूम टेम्परेचर पर आएंगे तो क्या होगा, कुछ उनको एनर्जी मिलेगा जिससे कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन होल क्या करेंगे, जनरेट कर जाएंगे। ठीक, मान लीजिए ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। ठीक, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन इस टेम्परेचर पर इतना एनर्जी पाए कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन जाता किस में, कंडक्शन बैंड में, ये क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक, और अपने पीछे क्या करेंगे, ये होल छोड़ जाएंगे। क्लियर है चीज, तो ऐसे हम लोग को अब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिल गए हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में क्या करेंगे, रेंडम मोशन करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रेंडम मोशन होता रहेगा। ठीक, रेंडम मोशन होता रहेगा। तो एक दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ऐसा था ना कि दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रेंडम मोशन होता रहेगा। ठीक, तो अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर मोशन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, हम मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक का, दूसरे का इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा। वैसे जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाए हैं, और जो इधर आ रहा है उसकी वेलोसिटी ऐसे दिखाए हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम इस रेंडम मोशन को कंसिडर करें तो जो इनके द्वारा करेंट कंस्टिट्यूट होगा वो लगभग क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि रूम टेम्परेचर पर ये जो आपका डिवाइस है, ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल, ये क्या होगा, करंट नहीं मारेगा आपको। ठीक, मतलब इसको टच करने पर आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह मोशन कर रहे हैं, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल आ रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं लगभग जीरो करंट आ रहा है इनके वजह से। ठीक, क्योंकि जब क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएंगे रेंडम मोशन करते दौरान, तो क्या होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हो जाएंगे। ठीक, तो अब समस्या आती है कि करंट फ्लो कैसे कराएं। ठीक, अपने डिवाइस पे करंट हम लोग फ्लो कैसे कराएं, तो अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग का डिवाइस है इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, मान लेते हैं कि हम लोग का जो क्रिस्टल है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या एटम्स है। ठीक, इलेक्ट्रॉन होल और एटम्स भी है। ठीक, तो इसमें होल नहीं दिखाएं, बस इलेक्ट्रॉन ही दिखाएं। ओके, इलेक्ट्रॉन को समझ लेंगे, होल को भी समझ जाएंगे। ठीक ना, अब एक अलग से और फिगर बनवा देंगे जो कॉपी में बनाइएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहां पे क्या करेंगे, इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते रहें। अब ये जो वी वोल्ट का बैटरी है, ये पॉजिटिव इधर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस क्रिएट हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होगा। मतलब यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले रहे हैं, ई लग रहा है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रेंडम मोशन कर रहे थे उनको क्या करेगा, अब एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक, कि अब तुमको करंट बनाना ही बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टीचर नहीं है, आप फ्रीली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात होकर कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपके क्लास में टीचर लोग आ जाएंगे तो आपको पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा। वैसे ही जब इस पे कोई हम लोग एक्सटर्नल सोर्स वगैरह नहीं अप्लाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए थे, तो इलेक्ट्रॉन पगला पला के अपने मन का घूम रहा था और जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो नेग्लिजिबल करंट मिल रहा था, मतलब जीरो करंट मिल रहा था। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाए हैं, तब इलेक्ट्रॉन को करंट बनाना ही बनाना है, होल को करंट बनाना ही बनाना है। ठीक, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किए हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे है, तब किधर चलेगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंटरनल अपन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ से चला, इसे टकराया, जैसे ही टकराएगा तो ये कोलिजन क्या होता है, ये जो कोलिजन होता है क्या होता है, इनका कोलिजन इलास्टिक नहीं होता है, इस वजह से क्या करेंगे, ये कुछ एनर्जी क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लॉस करेंगे। ओके,
ठीक। तो ये कुछ अपना एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक, क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। तो यहाँ जब टकराया तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, फिर यहाँ से चला तब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर क्या करेगा, एक्सीलरेट होगा, एनर्जी गेन करेगा, फिर इसे आकर धड़ाम से टकरा गया तो फिर क्या करेगा, कोलिजन इन इलास्टिक है तो इसे एटम टकराने के बाद फिर अपना एनर्जी लूज करेगा, फिर क्या गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ऐसे टकराते टकराते हुए फाइनली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुँचना शुरू कर देगा, ठीक। और ऐसे जो होल आएंगे वो क्या होंगे, इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, करंट बनना शुरू हो जाएगा। और ये बैटरी के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वेलोसिटी आएगी उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, और इसके वजह से जो करंट बनेगा उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल रहेगा, होल का भी क्या होगा, बहाव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इस वजह से उसको हम ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर भी कहते हैं। बात समझ में आया, एक मिनट लेके फिर रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, रेंडम मोशन कर रहे थे, जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, ठीक। लेकिन अब हमको सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमारा है उसमें करंट फ्लो कराना ही कराना है, तो हम लोग एक बैटरी अप्लाई कर दिए इस भी पोटेंशियल डिफरेंस का इसके दोनों टर्मिनल पे, तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ ये क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन और होल के ऊपर क्या करेगा, होल नहीं बनाए, ठीक, इलेक्ट्रॉन उस बनाए, एक समझेंगे दूसरा उसे होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा उसका जो डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो क्या कर धड़ाम से टकराया तो ये क्या कोलिजन जो है इन इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, इस कुछ एनर्जी लॉस किया, फिर ऐसे चलना शुरू किया तो क्या करा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट होगा, कुछ एनर्जी गेन करेगा, फिर से धड़ाम से टकराया, फिर इधर आया टकराया, तो एक बार टकराएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस हुआ, फिर चलना शुरू किया, फिर एनर्जी गेन किया, फिर टकराया, फिर लॉस किया, फिर गेन किया, फिर लॉस किया, फिर गेन किया, फिर लॉस किया, ऐसे करते करते फाइनली क्या होगा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, पहुंचना शुरू कर देगा। और ऐसे जो होल महाराज इसमें रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देंगे, और क्या होगा, वो इधर ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल मतलब चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट के वजह से क्या होगा, हम लोग को एक करंट मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। और जो ये चार्ज कैरियर की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और ये चार्ज कैरियर का जो बहाव है इसी को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर कहेंगे। बात समझ में आ गया, अब बस इसी को हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग को एग्जाम में लिखना है, ठीक ना। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या एग्जाम में लिखना है, ठीक। इसको लिखवाने से पहले एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा, उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ठीक। देखिए पिछला फिगर हम लोग बनाए थे, पिछला फिगर हम लोग बनाए थे, ऐसे एटम्स वगैरह लिए थे, ठीक, ऐसे एटम्स वगैरह लिए थे, ठीक। फिगर इरेज कर दिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई किए थे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चला रहे थे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया था, टकराया था, फिर ऐसे टकराया था, फिर वापस आया था, फिर ऐसे टकराया था, ठीक। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इधर झिकझिक मोशन ऐसे कर रहा था, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए थे, ठीक। तो मैं बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। लेकिन जब आप फिगर देखेंगे तो एक आध जगह क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को पिछले फिगर में बनाया गया था, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये जो कोलाइड कर रहा था क्या होगा, वो इधर उधर भी जा सकता है, ठीक। हम लोग को किस पे ध्यान देना, हम लोग को इनिशियल और फाइनल पे ध्यान देना है। फाइनली देखिए जो इलेक्ट्रॉन आपका ये बैटरी ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा था, जो क्रिस्टल का पॉजिटिव टर्मिनल था, मतलब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था उधर आ रहा था, ये आप फाइनल पोजीशन को ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाले पोजीशन को मत देखने लगिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन क्यों इधर आ रहा है, ठीक, इसको मत देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है तो टकराकर इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, ठीक। आप दीवार पर बाल फेंक रहे हैं, कोलाइड करा रहे हैं, ठीक, आप एक फोर्स लगा रहे हैं बाल के ऊपर, कोलाइड करा रहे हैं, ठीक, तो बाल टकरा के सीधे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, तिरछा भी गिर सकता है, ठीक। हम लोग को क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पर ध्यान देना, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, ठीक, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन टकराकर इधर आएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन फाइनली क्या होगा, वो कोलाइड होते हुए, वो कोलिजन करते हुए क्या करेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आएगा। तो आप इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी के भी पे मैं बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक। अगर पिछला फिगर में आपको कन्फ्यूजन रहा होगा तो उम्मीद है कि इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ओके।
अब देखिए क्या लिखे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कामा इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन और होल पर क्या करेगा फोर्स लगाएगा। जैसे देखिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, कैसे एक बैटरी कनेक्ट किया जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ठीक क्लियर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इसके ऊपर फोर्स क्या करेगा लगाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे, व्हाइल जबकि होल मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल्स एज शोन फिगर, और जो होल होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक। मतलब होल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में मूव करेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर, और ये जो चार्ज कैरियर के मोशन का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर कहते हैं, ठीक। ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर मिलता कब है जब हम क्या करें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो चार्ज को क्या करते हैं ड्रिफ्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स लगा के चार्ज को ड्रिफ्ट करेगी, चार्ज का प्रवाह करेगी, चार्ज का फ्लो होगा वहां पे, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा ड्रिफ्ट कहलाएगा, किसका चार्ज कैरियर का, ठीक। फिर देखिए आगे क्या लिखे हैं कि नाउ द चार्ज कैरियर सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ये पूरा आप लिखेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, यहाँ आप चाहिए तो यस भी लगा सकते हैं, ठीक, मन के लगा लीजिएगा, अगर यहाँ यस नहीं लगाएं तो यहाँ से ये हटा दीजिएगा, ठीक, जो आपको सुविधा हो सा कर लीजिएगा, ठीक। सच एज इलेक्ट्रॉन एंड होल अटेन अ सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। जाहिर सी बात है जब ये मोशन में आएंगे तो इनके अंदर क्या होगा कुछ वेलोसिटी होगा, और जो वेलोसिटी होगा ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चार्ज का ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, इस वजह से वेलोसिटी भी क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, और वो किसके बराबर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के मोबिलिटी के प्रोडक्ट के क्या होगा बराबर होगा, ठीक। जिसको लिख दिया दैट इज वेड इजकल टू म्यू इंटू ई वेयर म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक, क्लियर है चीज। अब फिर देखिए क्या लिखे हैं कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस अ करंट कामा कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, और जो ये चार्ज कैरियर का मूवमेंट है ये क्या करेगा जब चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन होल मोशन में है फ्लो कर रहा है तो क्या होगा कुछ ना कुछ करंट बनाएंगे, और किसके वजह से हो रहा है ये जो प्रक्रिया है क्या है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर है, इस वजह से इनके मोशन के जो करंट बनेगा वो क्या कहलाएगा ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा, ठीक। यहाँ तक आपका टॉपिक ये हो गया। अब देखिए एक लाइन में डेफिनेशन अगर बताना हो ड्रिफ्ट करंट का तो कैसे बताएंगे, उसको मैं स्टार बना के लिख दिया हूँ, ठीक। ये लाइन जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखें, ये एग्जामिनर वगैरह को प्रैक्टिकल के बारे में बताने के लिए लाइन आपके लिए लिखा हूँ, ठीक। क्या लिखे हैं इन अदर हैंड द ड्रिफ्ट करंट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में जो चार्ज कैरियर का क्या होगा मूवमेंट होगा उसके वजह जो करंट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर देख लिए। अब हम लोग ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, छोटा सा और है और फिर उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक। करंट डेंसिटी होता क्या है जे इक्वल टू आई बाई ए, ठीक। जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो करंट है वही क्या है करंट डेंसिटी होती है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है किसके वजह से होल के वजह से होल के ड्रिफ्ट होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से, तो यहाँ क्या होगा ड्रिफ्ट करंट होगा। और ड्रिफ्ट करंट अगर है तो उसी को अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम देखना चाहें तो हम लोग को क्या मिलेगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं कि नाउ द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू द होल कैन बी रिटेन एज, तो क्या हो जाएगा जे पी, होल क्या आता है पॉजिटिव नेचर का इसलिए जे सफिक्स में पी और ड्रिफ्ट लिखे मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होगा पीई वी डी के बराबर होगा, ये वैल्यू हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर क्या लिखे हैं बट फॉर होल, होल के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा क्या होगा म्यू पी ई के बराबर होता है, ठीक। पीछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी से यूज किए थे तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आज वी डी से यूज किए हैं तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा वी डी इक्वल टू म्यू पी इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे हम लोग वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई देखे थे, ठीक। तो अब यहाँ से जे पी ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा पी ई और वी डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू पी इंटू ई के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया होल की वजह से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हो गया, ठीक। सिमिलरली द करंट डेंसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज, तो क्या हो जाएगा जे एन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एन ई वी डी,
ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, वी डी जो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा क्या होगा, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मल्टी म्यूएन होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का, ऐसे यहाँ भी एन लिखे हैं, यहाँ भी एन लिखे हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, जे एन ड्रिफ्ट जो होगा एन ई म्यू एन ई के बराबर जाएगा, इसका वैल्यू जो पुट करेंगे इसके बराबर हो गया। अब जो टोटल करंट डेंसिटी होगा, जो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होगा किसका, सेमीकंडक्टर का, वो कैसे होगा, वो सम होगा किसका, होल की वजह से जो करंट डेंसिटी है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है दोनों के सम के बराबर होगा। तो लिखे है कि द टोटल करंट डेंसिटी, या पैसे लिख सकते हैं द टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू द होल एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज, तो उसको कैसे लिखेंगे, जे ड्रिफ्ट इजकल टू जे पी ड्रिफ्ट प्लस जे एन ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वन और टू से क्या करेंगे, वैल्यू लाकर सब्सिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को टोटल करंट डेंसिटी मिल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। यहाँ बता दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करने पे हम लोग को ये टोटल करंट डेंसिटी मिला है, जो क्या है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर और ड्रिफ्ट करंट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।